नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे सब्जेक्ट रीजनिंग मानसिक अभिरुचि के चैप्टर कैलेंडर का भाग का दूसरा वीडियो, जो कि कैलेंडर के रिपीट वर्ष पर आधारित होगा। इससे पहले हमने कैलेंडर का पहला वीडियो अपलोड किया है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हमारा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका रीजनिंग के चैप्टर कैलेंडर में अंक पक्के कराना है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2401 को कौन सा दिन होगा? हमें दिया है क्वेश्चन में 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2401 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों, हमने इससे पहले कैलेंडर के पहला वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने कंसेप्ट आधारित टाइप देखे थे। उसी टाइप के क्रम में हमारा यह टाइप 7 है। दोस्तों, सबसे पहले हम कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए हमें ऑड डे या वर्ष की कोडिंग, शताब्दी कोडिंग पता होना चाहिए, दिन की कोडिंग पता होना चाहिए, तो हम आसानी से कैलेंडर के किसी भी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। हम यह कोडिंग से हल नहीं कर रहे हैं, यदि हम इसे कोडिंग से हल करते तो इनके बीच में साधारण वर्ष और लीप वर्ष देखते और जितने भी दिन होते वो देखते और 7 का भाग देते थे, हमारा आंसर आ जाता। हमने उसके अलग कंसेप्ट है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दिया है 1 जनवरी 2001 को क्या है, सोमवार है। उसी प्रकार 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 और 1 के बीच कितने वर्ष हो रहे हैं दोस्तों, देखते हैं। इसमें यदि हम 2001 से 2401 के बीच घटाएंगे तो 400 वर्ष कुल हो रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा था कि 400 वर्ष में शताब्दी के कोड रिपीटेशन हो रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि शताब्दी वर्ष की कोडिंग से 400 वर्ष में कैलेंडर रिपीट होता है। यह दोस्तों कंसेप्ट है। कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य तौर पर वर्ष दिन शताब्दी वर्ष की कोडिंग से हल करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में 400 वर्ष का अंतर, इसलिए हम शताब्दी कोडिंग 400 वर्ष में समान होता है। इसके लिए हम कंसेप्ट देखते हैं। वैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों, लेकिन हम इसमें देखते हैं। इसमें अतिरिक्त दिन ऑड डे या अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा डे निकालने का नियम है जो शताब्दी का है, वह देखते हैं। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 400 वर्ष में क्यों कोड रिपीट हो रहा है और वही कैलेंडर 400 वर्ष बाद 400 शताब्दी के बाद क्यों रिपीट होता है, देखते हैं। हम सबसे पहले शताब्दी के कोड देखते हैं और 100 का कोड देखते हैं। शुरू के 100 सालों में हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, लीप वर्ष 24 होगी और सामान्य वर्ष 76 होंगे। दोस्तों, लीप वर्ष वो होता है जिसकी फरवरी 29 वर्ष में होती है, सामान्य वर्ष में जिसकी फरवरी 28 वर्ष की होती है। लीप वर्ष का जो दिन होता है वो 366 एक वर्ष का होता है। दोस्तों, एक वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, हम यह देख चुके हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा, और शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं है, इसलिए 100वां साल लीप वर्ष नहीं होगा। दोस्तों, हम बात करें कि 100वां साल लीप वर्ष नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यह 400 से विभाजित नहीं है। 400 से विभाजित की कंडीशन होती है जब लीप वर्ष होता है। तो हमने देखे हैं कि हमने क्या देखा था कि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं और एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है, तो हमारे टोटल एक शुरू के 100 सालों में 124 ऑड डे आ गए। जब यदि हम इसे हल करेंगे दोस्तों, 7 का भाग देते हैं तो हमारे 5 ऑड डे आ गए, यानी हमारे अतिरिक्त 100 के दिनों में कितने आ गए, 5 ऑड डे दिन आ गए हैं दोस्तों। उसी प्रकार हम देखते हैं शुरू के 200 सालों में, तो शताब्दी वर्ष 100 का कोड कितना होगा, 5 होगा हमारा। उसी प्रकार हम देखते हैं 200 वर्ष का, 200 में क्या होता है, 200 वर्ष में हमारी उसके दुगने हो जाएंगे, हमारी 48 लीप वर्ष हो जाएंगे और सामान्य वर्ष 152 हो जाएंगे। ये भी हमारा 200-400 से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए यह भी हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। अब हम इसे देखते हैं कि हमारे 248 टोटल ऑड डे आ रहे हैं, तो हमारे 3 ऑड डे होंगे 200 साल में। 200 साल में दोस्तों 3 ऑड डे होंगे, यानी 200 की कोडिंग कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हम 100 साल से स्टार्ट किया था, 200 आ गए हम। अब देखते हैं दोस्तों 300 दोस्तों हम देखेंगे, हम एक सामान्य तौर पे भी ऑड डे निकालने का नियम है कि 5 में यदि ये डबल हो रहा है तो 5 × 2 करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10/3 करेंगे 3 ऑड डे आ जाएगा। उसी प्रकार 5 × 3/7 करेंगे, 5/3 तो 1 आ जाएगा। 300 वर्ष की सदा कोडिंग कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। 1 होगी कोड।
और 400 वर्ष की दोस्तों 5 गुणे 4 करेंगे तो बटे 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 400 वर्ष में एक लीप वर्ष जुड़े लीप वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 400 से विभाजित है, जो नियम है लीप शताब्दी का कि यदि 400 से विभाजित हो जाएगा तो वह लीप शताब्दी कहलाएगी, तो हमारा एक यहाँ पे जुड़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमारे 21/3 करेंगे तो 0/8 आ जाएगा, तो शताब्दी वर्ष में 400 वर्ष के बाद कोड रिपीट होने लगता है दोस्तों। यदि हम 500 की बात करें, 500 वर्ष की बात करें तो 5 दिन में 500 वर्ष की बात है तो 5 दिन अतिरिक्त दिन होंगे, 600 वर्ष में 3 दिन अतिरिक्त दिन होंगे, 700 वर्ष में 1 दिन होंगे, ऐसे 800 वर्ष में 0 दिन होंगे, यानी हमारा देखो 400 वर्ष से 800 वर्ष में हमारा कोड रिपीट होने लगा है, इसी वजह से वह कॉन्सेप्ट लिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार 900 में 5, 1200 में 0, 1300 में 5, 1600 में 0, 1700 में 5, 2000 में 0 दिन, यह ध्यान दोस्तों करना है, ये हमें इसी प्रकार से हमारी कोडिंग निकालनी पड़ती है, और 5, 3, 10 इसका कोड रहता है, किसी भी 400 वर्ष में 100 से स्टार्ट करो, यदि 2100 की कोडिंग निकाल लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो शताब्दी वर्ष में 4 वर्ष में कोड रिपीट होने लगता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, वही जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, शताब्दी वर्ष की कोडिंग में 400 वर्ष में कैलेंडर रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो हमारा अगला कैलेंडर देखो 400 का अंतराल है, तो हमारा क्या होगा 400 वर्ष में 0/8 होंगे, 0/8 होंगे, तो 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो हमारा 1 जनवरी 2401 को क्या होगा सोमवार ही होगा, क्योंकि हमारा इस दिन को कैलेंडर रिपीट होगा दोस्तों, नियम अनुसार शताब्दी के जो कोड है, जो नियम है, उसके अनुसार हमारा 1 जनवरी 2401 को सोमवार है, इसलिए वजह से हमारा कैलेंडर रिपीट होगा और हमारा सोमवार का ही सोमवार रहेगा दोस्तों, इस वजह से यह हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और हम यदि हम कोडिंग से करते तो हमें टाइम लग जाता दोस्तों, यदि हमें 400 का डिफरेंस आ रहा है तो तुरंत की तुरंत ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें यह सहूलियत देते हैं आंसर को जल्दी करने की। चलिए नेक्स्ट टाइप पर जाते हैं, वो तो हम शताब्दी के बाद बात कर रहे थे, पिछले हमने जो टाइप में बात किया तो हमने उसमें शताब्दी के बाद शताब्दी की बात की थी कि हमारा 400 में हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। यदि हम बात करें कि वर्ष के बाद वर्ष 2001 का कैलेंडर निकट भविष्य में किस कैलेंडर से पूरी तरह मैच होगा, तो दोस्तों वर्ष का कैलेंडर के रिपीट के मैच के लिए हमारे 4 कंसेप्ट हैं, वह आप देख लेना और जो हमेशा ही रहेंगे, जैसा यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपका अंक पक्के होंगे क्वेश्चन में दोस्तों। कैसे ये देखते हैं कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से मैच होगा, ध्यान रखना है दोस्तों साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से मैच होगा, और कैलेंडर रिपीट के लिए कम से कम 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए वर्ष के कैलेंडर रिपीट होने वाले के लिए। शताब्दी तो 400 वर्ष में होगा, हमने पढ़ लिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर रिपीट के लिए कम से कम 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2001 से शुरू करके जिस वर्ष तक विषम संख्या शून्य हो दोस्तों, हम 2001 में हमारी एक कोडिंग साधारण वर्ष है तो इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये उसी वर्ष से शुरू करते हैं जिस वर्ष से हमें निकालना होता है कैलेंडर वर्ष, तो 2002 की कितनी हो जाएगी, 1 इसकी भी, क्योंकि यह साधारण वर्ष है, 2003 की 1 हो जाएगी दोस्तों, 2004 की 2 होगी क्योंकि यह लीप वर्ष है और लीप वर्ष की कोडिंग 2 होती है दोस्तों, 2005 की 1 हो जाएगी, 2006 की 1 हो जाएगी दोस्तों, यह साधारण वर्ष है, और इसी प्रकार हम 2007 की बात करें तो इसकी कोडिंग कितनी होगी दोस्तों, 0 हो जाएगी, क्यों, 1 से हमें 1 यहाँ पे कितना है 5 है, 5 और 2 7 हो गए दोस्तों, तो 7 हमारे 7 में जब 7 का भाग देंगे तो 0 बजेगा, तो यानी हमारा यही होता है, तो हमारा यहाँ से अगली बार कब 0 होगा तो हमारा वह कैलेंडर पूरी तरह से मैच होगा, तो हमारा 2007 में हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है दोस्तों, इसलिए वजह से हमारा क्या होगा, यह हमारा 2007 में कैलेंडर रिपीट होगा। जरूर हम 2001 से उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब भी हमारा जिस भी वर्ष में हमारा 0 कोडिंग हो जाएगी तो हमारा वह कैलेंडर मैच कर जाएगा, उस वर्ष का कैलेंडर मैच कर जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है दोस्तों, और बस ये हमारे कंसेप्ट समझना है कि 6 वर्ष का रिपीटेशन होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही ये जो लिखा है कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से मैच होना चाहिए, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष से मैच होना चाहिए, उसी प्रकार 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस वर्ष से हम शुरू कर रहे हैं उसकी कोडिंग ली जाती है और आखिरी तक हमारा 0 आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगी, हमारा वही वर्ष का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा दोस्तों। तो हमने यह क्वेश्चन देखा, अब हम 2001 से 2007 तक पहुंचने तक विषम संख्या समान हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यदि हम एक को यहां से कोडिंग ले रहे हैं, यदि 0 की बात करें तो यहां पे हमारी 0 होगी, यदि हम साधारण वे में बात करें तो। अब चलिए चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 दोस्तों। अब चलते हैं हम अगला इसी टाइप पे चलते हैं कि वर्ष 2002 का कैलेंडर निकट भविष्य में किस कैलेंडर से पूरी तरह मैच होगा, तो दोस्तों हमने देखा था कि क्या देखा था,
कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में मैच होता है, तो लीप वर्ष 2008 है और 2012 है, तो 2002 लीप वर्ष नहीं है, तो 2008 और 2012 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है दोस्तों, ए और सी तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारे देखते हैं साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष से मैच होता है तो 2002 का मैच होगा या तो 2009 से होगा या 2013 से होता है होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैलेंडर रिपीट के लिए कम से कम 6 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, ये नियम है दोस्तों। 2002 से हमें कहां तक चलना है, 2013 तक चलना है, 2002 की हमें कोडिंग एक ले ली है, तो 2009 के बीच देखते हैं, क्योंकि ये तो 2008 तो लीप वर्ष है नहीं, तो ये तो वैसे गलत हो गया, तो 2009 का देखते हैं। 2009 के बीच में हमारे नौ वर्ष आ रहे हैं, क्योंकि 7 तो साधारण वर्ष आ रहे हैं और 2 लीप वर्ष आ रहे हैं, इसमें हमने घटाएंगे तो 2 लीप वर्ष आ रहे हैं, तो हमारे कितनी हो जाएगी इसकी 9 हो जाएगी, 9 में से यदि हम भाग देंगे 7 का तो 2 और डे बचेंगे, हमारा 0 नहीं आ रहा है, यानी 2009 भी हमारा क्या होगा, 2002 का कैलेंडर 2009 से बिल्कुल भी मैच नहीं होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं 2002 से 2013 के बीच, 2002 से 13 के बीच में हमें 2002 की कोडिंग ले ली एक, 2013 के बीच में कितना 11 तो इसमें साधारण वर्ष है और 3 लीप वर्ष आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 14 हो जाएंगे, ये 9 नहीं होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 14 में भाग 7 करेंगे तो 0 बचेगा दोस्तों, जो 0 बचेगा यानी हमारा 2013 का कैलेंडर मैच करेगा दोस्तों। वैसे भी हमने 3 यहां से निकाल दिए थे कि 2008 और 2012 तो हमारे लीप वर्ष थे और 2009 हमारा इससे मैच नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर टिक ये करने की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों, हमारा 2013 का आंसर ही हम टिक करते, स्मार्ट वे में हम 2013 ही क्या ही आंसर टिक करते दोस्तों। तो हमारा क्या 2002 से 2013 तक विषम संख्या 0 होगी, इसी वजह से हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, यह हमारा इसका आंसर हो रहा है दोस्तों, यह 0 2013 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, यदि आज से 3 दिन वर्ष पहले मंगलवार था, मंगल था, देखो गांव की भाषा लिख दी मैंने, मंगलवार था दोस्तों, मैं गांव का हूं इस वजह से समझ में नहीं, कभी कभी भूल जाता हूं। तो यदि आज से 3 दिन पहले मंगल था तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा, आज दोस्तों 3 दिन पहले क्या होगा, 3 दिन पहले मंगलवार था, तो बीच में आज और मंगल के बीच में 3 दिन होंगे कि नहीं, पहले मंगल से चलेंगे बुध शुक्र शनि, फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों, शनिवार, तो आज हमारा क्या आ गया, शनिवार आ गया दोस्तों। यदि आज से 6 दिन बाद क्या होगा, शनिवार से 6 दिन बाद जोड़ो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, 6 दिन बाद शुक्रवार होगा, तो शुक्रवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जनरल क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 400 वर्ष में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, अर्थात कितनी बार लीप वर्ष होगा दोस्तों। समझने की बात है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी और कितनी बार लीप वर्ष होगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि लीप वर्ष कितनी बार होगा, 400 से 0 से लेकर 400 वर्षों में कितनी, 400 वर्षों टोटल 400 वर्ष की बात हो रही है, 400 वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, 1 से 400 तक। तो 400 तक हमने जो अभी शताब्दी की कोडिंग देखी थी उससे भी हम पता लगा सकते थे और इससे भी पता लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि 400 वर्ष में यदि 4 का भाग देंगे तो हमें 100 लीप वर्ष बचेंगी दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 आ रही है कि 100 लीप वर्ष होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, हम वैसे यदि हम 400 बाका पर्टिकुलर पता चलाते कि 400 वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, तो हमें 400 का भाग देना पड़ता तो हमारा 0 आता, तो हमें पता पड़ जाता कि हमारा 400 वर्ष बाद लीप वर्ष है, लेकिन हमें 1 से लेकर 400 तक के बीच में 0 से लेकर 400 तक के बीच में और लीप वर्ष पता चलाना है, इसी वजह से हम 400 में 4 का भाग देंगे तो हमारे 100 लीप वर्ष आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन एक नियम है दोस्तों इसमें कि किसी भी सैकड़े का 100 वर्ष बाद अंतिम दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता, कौन से दिन नहीं हो सकते, मंगलवार शुक्रवार शनिवार नहीं हो सकते, इस वजह से हम 100 में से 3 घटा देते हैं दोस्तों, हर 100 में से 3 घटा, इसमें से 3 घटा देते हैं, इस वजह से हमारा 97 आंसर आ जाएगा दोस्तों। और ध्यान रखना है किसी भी सैकड़े वर्ष का मंगलवार गुरुवार शनिवार नहीं हो सकता, एक कंसेप्ट ही रहता है, मैंने एक कंसेप्ट रटने के बेस पे एक क्वेश्चन बताया है दोस्तों। और यदि मैंने शताब्दी की कोडिंग दी है, वर्ष की कोडिंग बताई थी, उससे भी आप यह लीप वर्ष निकाल सकते थे पूरे, मैंने एक जैसे कराए हैं दोस्तों, तो हमारा 97 इसका आंसर होगा, तो 400 वर्षों में 97 बार लीप वर्ष आएगा दोस्तों, यह हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने रीजनिंग सब्जेक्ट रीजनिंग के चैप्टर कैलेंडर से संबंधित दूसरा वीडियो देखा दोस्तों। यदि आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी के YouTube चैनल से के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज बन जाइए, जिससे कि
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे और नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे दोस्तों। वैसे आपके लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हमारा रीजनिंग से कैलेंडर से संबंधित अगला चैप्टर, कैलेंडर का चैप्टर भाग 3, जिसमें हम अच्छे से क्वेश्चनों प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।